नमस्कार दोस्तों, इंडिया स्ट्राइक्स चैनल पर आपका स्वागत है। तो पिछले 2-3 दिनों से कॉन्स्टेंटली पीओजेके में और पीओके में बहुत ही बड़ी मात्रा में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, और आज दोपहर के वीडियोस में भी हमने आपके साथ शेयर किया कि किस तरह से बहुत बड़ा जनसैलाब पीओजेके के अलग अलग हिस्सों में से निकलकर मुजफ्फराबाद की ओर निकल पड़ा है। और कल रात के भी वीडियोज हमने आपके साथ शेयर किए थे हमारे दोपहर के वीडियो में, जहां पर हमने दिखाया था कि किस तरह से वो बहुत ही बड़ी मात्रा में मुजफ्फराबाद की ओर कूच करने के लिए तत्पर थे और कहीं पर रुकने के लिए भी तैयार नहीं थे। तो उसी को ट्रेस करते हुए हमने आज पूरा दिन उनकी खबरों पर नजर रखी, तो ये पता चला कि मुजफ्फराबाद में बहुत ही बड़ा जनसैलाब उमड़ पड़ा है, और उसके सामने पाकिस्तान ने अपनी इंटरनल सिक्योरिटी फोर्सेस और आर्मी को उतार दिया है और उनके सामने एक्शंस लेना शुरू कर दिया है, जिसके चलते मुजफ्फराबाद में हाल में जो परिस्थिति है उसको युद्ध की परिस्थिति के तौर पर देखा जा रहा है। ये जो प्रोटेस्ट है इनमें से ज्यादातर जगहों पर पीसफुली प्रोटेस्ट हो रहे थे, लेकिन कई सारे पाकिस्तानी आर्मी ऑफिसर्स को और इंटरनल सिक्योरिटी वालों को गन फायर्स करते भी देखा गया है, और साथ में टीयर गैस का भी उपयोग करते हुए देखा गया है, लाठीचार्ज भी किया गया है, और लोगों को बीच सड़क पे जो चल रहे हैं आम इंसान, उन लोगों को भी लाठियों से मार मार कर अपनी गाड़ियों में भर रहे हैं। तो इसी प्रकार से पाकिस्तानी आर्मी और गवर्नमेंट ने फिर से एक बार ये साबित कर दिया कि उन लोगों को ह्यूमन राइट्स के साथ कोई भी लेना देना नहीं। अब इन सब के बारे में हमने आपको आगे के वीडियोस में भी बताया है और उसके ऊपर चर्चा भी की है कि किस प्रकार के लोग इन प्रोटेस्ट में जुड़े हुए हैं, किस मानसिकता वाले लोग इसमें जुड़े हुए हैं, और अलग अलग विजुअल्स जो आए, जिनमें से 2 विजुअल्स ऐसे भी आए जिसमें भारत का झंडा भी दिखाई पड़ा, तो वो भी हमने आपके साथ शेयर किया है। इस वीडियो में हम जो बात करने वाले हैं वो है भारत में जो इस पूरी परिस्थिति को लेकर एक नैरेटिव क्रिएट हो रहा है उसके बारे में। भारत में कई सारे नेशनलिस्ट यूट्यूबर्स हैं और कई सारे नेशनलिस्ट लोग हैं जो अपने अपने ओपिनियंस अलग अलग सोशल मीडिया माध्यमों से, चाहे वो यूट्यूब पर हो, चाहे वो ट्विटर पर हो, चाहे वो किसी भी अन्य अकाउंट पर हो, वो लोग शेयर करते रहते हैं। तो हम लोग इसको भी साथ में स्टडी कर रहे थे, तो ये पता चला कि उनमें से ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि भारत हाल में जो पीओके और पीओजेके में जो परिस्थितियां खड़ी हो रही हैं उसमें कोई भी एक्शन नहीं लेना चाहिए, उसमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, वहां के जो लोग हैं उनको अपने आप से लड़ने देना चाहिए, और पाकिस्तानी आर्मी जिस तरह से भी ऑपरेट करना चाहे वहां पर उनको ऑपरेट करने देना चाहिए। लेकिन इसके ऊपर हमारा एक सवाल है, इंडियन पार्लियामेंट में बहुत सारे दशकों से पीओके के रिप्रेजेंटेटिव्स के लिए, यानी कि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के रिप्रेजेंटेटिव्स के लिए सीट्स इंडियन पार्लियामेंट में रिजर्व रखी गई हैं। वहां पर ना तो इलेक्शन होते हैं, ना ही लोग बैठते हैं, नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। भारत की सरकार और उनके अलग अलग मिनिस्टर्स, चाहे वो नरेंद्र मोदी जी हों, चाहे वो अमित शाह जी हों, राजनाथ सिंह जी हों, डॉक्टर एस जयशंकर जी हों, सभी समय दर समय ये बयान देते हैं कि पीओके भारत का हिस्सा है, था और रहेगा। लेकिन अगर भारत उन लोगों को जब जरूरत है तब अगर इंटरफियर नहीं करता है, उनकी मदद नहीं करता, तो क्या ये कहने का कोई भी अधिकार हम लोगों को रहता है? ये एक बहुत ही बड़ा सवाल है कि अगर भारत, इंडियन आर्मी या इंडियन गवर्नमेंट पीओके और पीओजेके के लोगों को मदद करने के लिए रेडी नहीं है जस्ट बिकॉज वहां पर कुछ रेडिकल एलिमेंट्स हैं, तो उसी प्रकार के रेडिकल एलिमेंट्स कुछ भारत के राज्यों में भी हैं, तो उनको भी भारत से अलग कर दिया जाए, उनको भी भारत का हिस्सा ना माना जाए अगर उतना ही सेफली खेलना है। और अगर पीओके और पीओजेके को भारत का हिस्सा मानते हैं तो फिर उसमें एक्शन लेना भारत सरकार का भी और भारतीय आर्मी का भी दायित्व बन जाता है। और साथ ही में ये बात भी स्पष्ट कर दें कि हाल की जो भारत सरकार है और जो भारतीय आर्मी है, भारत की आर्म फोर्सेस है, उनके ऊपर हमारा पूरा ट्रस्ट है, और हम ये मानते हैं कि वे लोग बहुत ही स्ट्रेटेजिकली सोच विचार करके विद लीस्ट अमाउंट ऑफ ब्लडशेड एंड वायलेंस इन परिस्थितियों को रिजॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने करके दिखाया है नक्सलाइट हित इलाकों में, नॉर्थ ईस्ट में और अन्य कई जगहों पर। तो उसी के चलते हमारा ये मानना है कि हाल की भारत की सरकार और भारतीय आर्म फोर्सेज पीओके और पीओजेके, जहां पर परिस्थितियां बहुत ही विकट हो गई हैं और वहां पर पाकिस्तान आर्मी और इंटरनल सिक्योरिटी निहत्थे लोगों के ऊपर हथियारों से हमला कर रहे हैं, तो उसमें
भारत को इंटरवीन करना चाहिए अगर हम पीओके और पीओजेके को भारत का हिस्सा समझते हैं तो, क्योंकि फिर से एक बार वो हमारा दायित्व तो बन जाता है। साथ ही में अगर हम आज नहीं करते हैं और समझ ली कि कोई और एक्सटर्नल फोर्सेस आके उसमें उन लोगों की मदद कर दे, जैसे कि अफगानिस्तान या चाइना, तो कल परिस्थितियां हम भारतवासियों के लिए ही और इंडियन आर्म फोर्सेस के लिए और भी कॉम्प्लिकेट हो जाएंगी, तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? तो इस प्रकार के दो अलग अलग एंगल्स हैं जिसके ऊपर से हमें ये लगता है कि इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन आर्म फोर्सेस को पीओजेके और पीओके में जो हाल में परिस्थितियां खड़ी हो रही हैं, ह्यूमन राइट्स अब्यूज हो रहे हैं, ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हो रहे हैं, वहां के लोगों को बेसिक नेसेसिटीज भी प्रोवाइड नहीं हो पा रही हैं, नहीं कर रहे हैं पाकिस्तान गवर्नमेंट और पाकिस्तान आर्मी, इसी के चलते अब समय आ गया है, ऐसा हमारा मानना है, लोहा भी गर्म है, तो लोहार हथौड़ा मार देना चाहिए, भारत सरकार और भारतीय आर्म फोर्सेस को एक्शन ले लेना चाहिए। जरूरी नहीं है कि फिजिकली ही वो अंदर एंटर हो, कई सारे अलग अलग रास्ते निकाले जा सकते हैं और कई सारे लोगों ने सजेस्ट भी किए हैं जो काफी ही इंटरेस्टिंग है, तो उन आइडियाज को भी कंसिडर किया जा सकता है और पीओके और पीओजेके को वापस भारत में सम्मिलित किया जा सकता है। रही बात वहां के जो रेडिकल्स हैं उन लोगों की, तो उनकी घर वापसी भी करवाई जा सकती है, जो लोग तैयार हैं उन लोगों के लिए, जो नहीं है उन लोगों को क्वारंटाइन में भी रखा जा सकता है फॉर नेक्स्ट 10 ईयर्स। भारत में जो टैक्स पेयर मनी कलेक्ट किया जाता है उसमें से कुछ पैसा उन लोगों के लिए यूज में लिया जा सके, अगर ये हकीकत बन सकती है तो, और ये हमारा मानना है कि वो चीज हकीकत हो सकती है इफ वी एक्ट नाउ। तो हाल में पूरा ये जो नैरेटिव बन रहा है नेशनलिस्ट के बीच में कि पीओके और पीओजेके में जो जो परिस्थितियां खड़ी हो रही हैं उसमें भारत को इंटरवीन नहीं करना चाहिए, तो उसके लिए हमारे विचार कुछ अलग हैं, लेकिन साथ ही में हम उन लोगों का सम्मान करते थे, हैं और रहेंगे, उनमें से कई सारे ऐसे भी हैं इनफैक्ट जिनसे हम समय दर समय सीखते हैं, तो उनका गुरु के तौर पर भी हम सम्मान करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। लेकिन ये एक मतभेद है जिसमें विचार थोड़े हमारे अलग हैं। आप क्या सोचते हैं इस विचार के बारे में? अगर आप हमारी बात से सहमत हैं तो वीडियो को लाइक करें और नीचे समर्थन देने के लिए जय हिंद जरूर लिखें। मिलेंगे अगली खबर में, तब तक के लिए जय हिंद, हर हर महादेव।